भाई साहब 2 बजी, अब नींद भी आ रही भयंकर वाली, आई भयंकर वाली, पता इसमें होंगे। और ये है आपका रिस्पन्ना पुल। भाई रास्ते में बहुत डर लगा, कहीं कहीं कोई भी नहीं था। और अभी टाइम हो रहा है आपका 1:30, देखते कब तक आते हैं, अभी तक कहीं नाम निशानी पहुंचने का। 2 बजे सुनसान जगह पे, बिल्कुल चौराहे पे। और तो दोस्तों जो सामने बस लगी है, ये लगी एक दिल्ली की और दूसरी मेरठ की। और ये है देहरादून का जो मेन, जहाँ से मिलती है, मतलब उत्तराखंड से बाहर के लिए जो बसें मिलती है वो फ्रंट से ही मिलती है, और जो उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड में अन्य जगह जाती है वो उसके बैक साइड से मिलती है। और आप इधर ये देख सकते हो, बिल्कुल ये पार्किंग के लिए, इधर ये 2 व्हीलर के लिए, उधर 4 व्हीलर के लिए। ये सामने दिख रहा थोड़ा सा, ये 2 व्हीलर का है। दोस्तों ऐसे बात वीडियो बनाने की, मतलब मैं यहाँ बोर हो चुका था, मैं आया था 10:30 के आसपास यहाँ, और भाई का जो पहुँचने का टाइम था वो तो 11:30 का, पर लेकिन अब फ़ोन क्या वो पहुँचेगा 1 से 1:30 के बीच, तो मैं हो चुका हूँ बोर। तो सोचा थोड़ी ब्लॉग ही बना दूँ, ISBT दिखा दूँ आप लोगों को, तो पूरा ISBT दिखाऊंगा। चलो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों ब्लॉग को शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मैं नीलो टेलर, आप देख रहे हैं भाई पहाड़ी। चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। कुरकुरा अरे वाह, अगर सच कहूँ तो मैं पहली बार इस पर नज़र पड़ी है, जो गढ़वाली रेस्टोरेंट है यहाँ पर ISBT के अंदर। तो देख सकते हो मेरी नज़र पहली बार पड़ी है, मैंने आज तक नहीं देखा था, ना मुझे पता था, बहुत लोगों को पता है क्योंकि थोड़ा ये अंदर है। और ये है गढ़वाली रेस्टोरेंट, ये है सहारनपुर। यहाँ पर सहारनपुर के लिए बस मिलेगी, जो ये एरिया इसमें सहारनपुर के लिए बस लगेगी। और यहाँ पर यह है मसूरी, तो यहाँ पर मसूरी के लिए लगेगी, ऋषिकेश के लिए लगेगी, हरिद्वार के लिए लगेगी, डोईवाला के लिए लगेगी। तो हम दिखा देते हैं मसूरी बोर्ड लगाया, पर लेकिन बस यहाँ पर लगी होगी, ये है ऋषिकेश की। और उधर है दिल्ली जयपुर की है, तो ये देख सकते हैं आप, दिल्ली के लिए सारी बस लगी, वॉल्वो बस सब दिल्ली के लिए। दोस्तों मतलब नींद भी आ रही है, क्योंकि मैं कल भी रात को 3 बजे के आसपास सोया, और सुबह भी 6:30 उठ गया था, तो वह दिन में मैं सो नहीं पाया। और अभी अब आंखें देख सकते हो बिल्कुल रेड हो रही है, और नींद भी आ रही है। अब 12 बज गए हैं, और 1.5 घंटे का वेट और करना है, उसके बाद घर जाना है, तब खाना खाना है, उसके बाद फिर आधा सो जाऊंगा, बिल्कुल तुरंत ही सो जाऊंगा। भाई मैंने व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाया कि ऐसे ही मतलब बोरियत दूर करने के लिए बाय बाय दे रहा हूँ, तो भाई दोस्तों कितने मैसेज आ रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, फ़ोन भी कर रहे हैं पर मैं उठा नहीं रहा हूँ। और ये सामने दिल्ली के लिए बस रेडी है, दिल्ली के लिए। और ये मेरठ के लिए, भाई साहब सबसे चिल्ला रहे हैं मेरठ मेरठ, ये मेरठ के लिए और ये दिल्ली के लिए। से बिल्कुल देख सकती है देहरादून का ISBT, जो कि बहुत ही यहाँ समय चहल पहल रहती है, बहुत ही शानदार और बहुत ही साफ सुथरा है। और ये भाई साहब को मेरठ की सवारी नहीं मिल रही है, उत्तर प्रदेश परिवहन की यहाँ पर अपनी गाड़ी लगी है। बिल्कुल सामने ATM है, ATM भी आपको मिल जाएगा, 2-3 ATM है इसमें ISBT में, बहुत ही बड़ा ISBT। यहाँ से पीछे तक आप पीछे से घूम जा सकते हो, बहुत पीछे अंतर्राज्य जो बस लगती है तो पीछे लगती है, और ये जो उत्तराखंड से बाहर जाएगी वही इस साइड लगती है, और इस साइड से एंट्री और एग्जिट गेट भी इसी साइड से है, तो आप जब भी आओ तो कंफ्यूज ना होइए। भाई रात का 1 बजा अभी, और भाई की कॉल आई थी, वो अभी हरिद्वार से निकले, उन्हें गाड़ी नहीं मिली, तो ट्रक में आ रहे, तो अब मुझे रिस्पना जाना पड़ेगा, रिस्पना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, और रात का 1 बजा भी, तो चलता हूँ सीधा रिस्पना पर मिलता हूँ।
यह है मेरी स्कूटी और मैं जा रहा हूँ ब्रिस्बेन के लिए। और चलो स्टार्ट करते हैं। और ऊपर पुल पे हूँ अभी और सीधा देहरादून का नज़ारा अभी बिल्कुल नीचे। वाह, मैं अभी ऊपर जो पुल बने हुए हैं उसके ऊपर हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है देहरादून का नज़ारा नीचे को अगर देखे तो। और ये है आपका रिस्पन्ना पुल। भाई रास्ते में बहुत डर लगा, कहीं 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 कोई भी नहीं था। दोस्तों बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा था बिल्कुल अजीब सा, क्योंकि रास्ते में नीचे जो कहीं गाड़ियां तक नहीं आ रही थी। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, पर उनका भी कुछ पता नहीं है कब तक वहाँ से निकलते हैं। मतलब निकल चुके हैं, पहुँचते कब है क्योंकि बस तो मिली नहीं और वो आ रहे हैं ट्रक में। तो चलो वेट करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है आपका 1:30, देखते कब तक आते हैं। देखो शहर का ना क्या है, मतलब सामने भी इंसान है, दो तीन इधर है, पर लेकिन क्या होता है शाम रात के 2 बजे है, पर लेकिन शहर की जो बात है वो क्या है, मतलब डर लगता है। सीधी बात है कि क्या इंसान दूसरे इंसान का खून का प्यासा होता है, मतलब ऐसा होता है। गांव में क्या होता है, चलकर कहीं दूर एक इंसान दिख जाए तो लगता है कि नहीं है कोई, अभी सामने वो कोई डर नहीं है। पर यहाँ अगर रात को सामने तब भी मतलब एक दूसरे से डरते हैं, चाहे कोई सामने में से अच्छा भी इंसान, पर लेकिन वही है कि यहाँ भरोसा नहीं कर सकते किसी पर। तो यहाँ मतलब ये है शहर की बात है। भाई साहब 2 बजे, अब नींद भी आ रही भयंकर वाली, आ रही भयंकर वाली, पर अभी तक कहीं नाम निशान नहीं पहुँचने का। 2 बजे सुनसान जगह पे बिल्कुल चौराहे पे, और इधर से गाड़ियाँ आ रही है। भाई साहब अब क्या करें, लगता है इसमें होंगे। ये भाई लास्ट ऑटो था वो भी जा रहा है, और बिल्कुल इधर कोई भी नहीं है, एक ऑटो वाला था वहाँ, बस उसको सवारी मिल चुकी है अब। और मेरे हो चुके हैं, हाँ कितना बजा रहे, 2:30 का टाइम हुआ है, पर लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पहुँचे हैं। ना मैंने कॉल किया